एक ऐसा खेल जिसकी शुरुआत तो काफी सालों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कम और छोटे लेवल के खिलाड़ियों की वजह से उसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए थी। खिलाड़ी छोटे लेवल के ही सही, लेकिन इनका जोश देखते ही बनता है। दमदार जोश और हुनर देखने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएं और बोले, ओ माय गॉड, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए हम आपको बता दें कि इस खेल का नाम है थूकम थू। और अभी हाल ही में 3 जनवरी को श्रीमान जावेद हबीब जी ने इस खेल में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेते हुए इसकी प्रसिद्धि को आसमान तक पहुंचा दिया और साथ ही थूकम थूक खेल के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए। इस खेल के सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही इन लोगों को ट्रोल करते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अब तक इस खेल के खिलाड़ी घर के उस पालतू जानवर की तरह खेलते थे जिनकी शैतानियों को हमें छुपकर फोन में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्हें पता चला कि हम इन्हें देख रहे हैं तो ये अपने हुनर को छुपाते हुए ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इनमें ये हुनर है ही नहीं। लेकिन अब नए दौर के खिलाड़ी खुलकर सामने आ रहे हैं और सबको इस खेल से रूबरू कराना चाहते हैं ताकि ये खेल क्रिकेट की तरह सबकी जिंदगी का आम हिस्सा बन जाए। इसीलिए माननीय जावेद हबीब जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब को हेयर ड्रेसर से रिलेटेड टीच करने के लिए एक सेमिनार में बुलाया गया था और उसी दौरान उन्होंने एक महिला के बाल काटते हुए उनके सर में थूक दिया। थूकम थूक के इस नए उभरते खिलाड़ी ने जब महिला के सर में थूक के तो वहां बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कुर्सी पर बैठी महिला का नाम पूजा गुप्ता है, लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि शायद इनको ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया और इन्होंने पुलिस थाने में खिलाड़ी जावेद हबीब के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। इसके बाद जावेद हबीब ने पूजा गुप्ता जी से माफी मांगी। तो अगर कुछ लोगों को शायद इससे हर्ट हुआ है, एक ही वर्ड बोलूंगा, माफी चाहता हूँ, दिल से माफी चाहता हूँ। वो एक एक्ट था, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे जब आप पढ़ा रहे हैं आप कितनी इंटरेस्टिंग की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ डाल। और इन्होंने सेमिनार में इंटरेस्ट डालने की जगह अपना थूक डाल दिया। थूकम थूक के ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि होनहार जावेद हबीब को इसीलिए दी गई क्योंकि ये अब तक के सबसे होनहार और बड़े खिलाड़ी माने गए हैं। अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो इनके नाम से पूरे वर्ल्ड में हजारों हेयर ड्रेसर फ्रेंचाइजीज चल रही हैं और साथ ही इन्होंने हेयर ड्रेसर ट्रेनिंग देने के लिए 40 से भी ज्यादा एकेडमी खोल रखी हैं। यहाँ तक कि जावेद हबीब के दादा नजीर अहमद अंग्रेजी सरकार के बड़े अफसरों से लेकर आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पर्सनल हेयर ड्रेसर रह चुके हैं, तो वहीं उनके पिता हबीब अहमद ने भी देश के प्रधानमंत्रियों से लेकर काफी राष्ट्रपतियों के बाल काटे हैं। उन्होंने बाल काटने में तो काफी नाम कमाया, लेकिन जितना नाम जावेद हबीब थूकम थूक खेल से कमा रहे हैं शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पूजा गुप्ता जी की तरह काफी लोग जो इनके हुनर को नहीं पहचान पाए वो जावेद हबीब के चेहरे की मसाले जलाकर रोड पर उतर आए हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने इस हरकत से पूरे नारी समाज का अपमान किया है। अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो हमें जरूरत है ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करने की जो अपनी हरकतों से समाज में अविश्वास फैला रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस मानसिकता के बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।